coração, versar nossa fome, dar sua corrida para que a justiça é um, se é um teatro de local, e o próprio que ainda há mais exato que a data é, que há um pai que nem é, na acordar na carta, a mim se já dá mais que é, só a que já me interessa o lugar. इन्हें अपनी कुर्बानियां नहीं दी हिंदुस्तान में रहने के लिए, लेकिन हमने 90 में जब शुरू हुआ तूफान कश्मीर में मेरे वर्कर जो तरीके को सामने हुए थे मस्जिद से निकल निकल के उनको बोले आज हमसे कहा जाता है ये भारतवर्ष में क्या भारत यही से है क्या यही से भारत की है कि हम सब भारत मैं तो जनरल गांधी जी को मुबारक करता हूँ जो उन्होंने ये संविधान बनाया मौका मिला आपसे बात करने का इसमें शक नहीं है कि मैं मुसलमान और बखबर से कहता हूँ मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं मुझे ये फिक्र है जो मुसलमान हिंदी मुसलमान हो कौन थे जिन्होंने इस भारत की लड़ाई में हिस्सा लिया क्या मुसलमान जिसने कोई इंडिया का नारा गांधी के सामने रखा वो भी बॉम्बे से जिसने तिरंगे झंडे को हमारा राष्ट्रीय झंडा बनाया वो और भी मुसलमान आज भारत को खतरा नहीं है बाहर से चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमें अंदर को बैठा हुआ है तो हमारा बिना रहना करता है अरे उस बात की क्या खूबसूरती कहीं पर होती है आप कभी तो आओ ये बात देखने जब उसने हर रंग की कही ये उसको बिठाना और ये सम्मेलन जो है ये आज के हमें वही ले जा रहा है उस वक्त हमारी गन अंग्रेजों से थी आज हमारी गन अंग्रेज है आज ये गन है और उसे कहना चाहता हूं नारा याद रखना सर करोड़ की तरंगा हमारे दिल में है जो इतना है जो इतना बात हो काफिल है अरे भारत है तुम भी मिल जाओ जैसे अंग्रेजों का राज मिल गया तुम्हारा तख्त भी एक दिन मिल गया मैं न समझना कि हम बोल नहीं सकते कि हमारी आवाज दबा सकते हो अरे एक आवाज उसकी भी है जिसे हम ना उसको दबा नहीं सकते और वो आवाज तुम्हें अरे ना तो बताऊं बगाम की इतनी ताकत थी घबराते थे लोग और मूसा जो उसके धर्मा वाला उसे जब हुक्म हुआ कि जुल्म तुम्हारे लोगों पे बहुत ज्यादा है तुम अपने इन लोगों को यहां से लेगा देखिए उसकी मेहरबानी जब दूसरा था और राम ने सुना कि वो फौजे तैयार करने लगा कि इनका पीछा करना है लोगों को मार डालना है और देखिए अंदर समंदर को जो टुकड़े कर दिए मूसा और उसके लोग उस समंदर को मार देते और जब ये कसूबे सारी मौत लेकर
बीच समंदर में पहुंचे, अल्लाह ने फिर से समंदर को एक कर दिया और राम मनुष्य और सारी डूब गए। अरे तुम क्या खुदा बन गए हो, क्या तुम भगवान? और जिसने जिससे ये सोचा कि वो भगवान है उसका अंत ये भारत में सबका है। और इसी कदर हम सब ने करनी है। इस भारत में वैसे लोग कैसे, अभी आपको बड़ा बड़ी साल में भी फरमाया कि वो लोग आज यमुना पी रहे हैं जिनने भारत की आजादी की लड़ाई में तो अपने आप को क्या अपनी माँ बहन को भी भेजने और उससे बताने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है, उन बदलाव का मुकाबला करना है जो इस भारत को तोड़ना चाहते हैं, हमें बांधना चाहते हैं। पाकिस्तान को बनानी है और कितने पाकिस्तान कितने और लोगों के भारत उसकी तरफ तो लोगो और उसके बजाय कहने को तैयार है। मैं सब लोगों को मुबारक करता हूं जिन्होंने एक होकर वादा किया मर जाएंगे मगर भारत की एकता टूट हो गई। एकता का हम सबने कामना हो, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, इंडस्ट्रीज हो, जो भी हो, हम सबने बदल इकट्ठी डूबना है, किसी तकलीफ में दूर करनी है। आज सबका साल हो गया मुझे आज भी याद आता है छोटा बच्चा था जब जवाहरलाल ने तकरीर की 12 बजे सेंट्रल हॉल पर, कहा कल जब तुम जाओगे तुम्हें गैस और ये वतन तुम्हारा होगा, कोई तुम्हारा मालिक नहीं होगा, तुम मालिक होगे वतन। आज इस वतन को और हम लोगों को खतरा है कि क्या सच हम इसके मालिक हैं या किस और को मालिक बनाया जा रहा है। आप देखते और हिम्मत रखिएगा, हिम्मत रखता मदद उस मदद में कमी न रहे। अरे अफसोस ऐसा है कि तुम दिल वाला तुम किस प्रांत से आते हो, तुम्हारी सोच क्या है? चर्चा का एक सूत्र है क्या हमें माध्यम वचन को आजाद करना है और आपको माध्यम वचन को आजाद करना है इन लोगों से
अपने काम में लगे हैं और हमें तो से मैं उम्मीद कि मैं उन भाषणों से आया हूं यहां के लोगों को आजकल पाकिस्तानी का भाइयों ख्याल निकालो अपने दिलों से निकालो हम पाकिस्तान में यही कर रहे हैं हम भारत में अपने हक के लिए पाकिस्तान के लिए क्या हमारे हक को छीनना चाहते हमने नगर की पाकिस्तान कहा जब हम आसानी से पाकिस्तान जा सके 47 में जब मेरे बाप ने और गांधी के उसूलों को हाथ मिलाए कहा मैं गांधी के हिंदुस्तान के साथ कर लेता हूँ जहाँ सब बराबर है जहाँ कोई फर्क नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है सिख है जो धर्म है अमीर है से उसको थामे रखें हमारे दिलों को समझने की कोशिश हमारे घर को पहचानने की कोशिश मेरा कहा कोई डाले वाले क्योंकि ये सोच से हट चला है उनके ग्रेजुएशन के साथ हमारी अल्लाह करे कि हुकूमत दिल के बगैर जो उनकी बात समझ सके सुन सके पार्लियामेंट में ग्रेजुएशन में आया जिसमें सब साथी थे रिपोर्ट भी आज तक उस रिपोर्ट का मुझे पता नहीं आज तक इसे मैं इसे सवाल कुछ नहीं कहूंगा फिर ये कहूंगा भाई लोग इकट्ठे हम लोगों में ताकत बढ़ जाएंगे ताकत जय हिंद।